फर्स्ट डे जब स्केचर्स के हमें वो टी-शर्ट्स मिले थे, माय फर्स्ट 21 के वाज सतारा। ये नहीं कि हमको जीतना है या कुछ करना प्रूव करना है, बट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो प्रूव करने के लिए हम लोग रजिस्टर करते हैं। स्टार्टिंग में जब आए थे सब तो बहुत इंजरीज लेकर आए थे, कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, वॉक करना है, ब्रिक वॉक करना है या जैसे भी है धीरे धीरे रन कर। 21 भी करूंगी, 42 भी करूंगी। मेरा मानना इफ आई कैन यू कैन एवरीबॉडी कैन। लर्निंग इज अ प्रोसेस, जैसे रनिंग प्रोसेस है वैसे लर्निंग प्रोसेस है। रेस्ट पूरा होना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। घर का सपोर्ट होना बहुत नेसेसरी है कि नहीं बाबा अगर ये वो रनिंग कर रही तो उसके लिए उसको उसके खुद के 2-3 घंटे देने चाहिए। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। आज हमारे साथ है मैडम गीतांजलि लिंका, वेलकम टू एसआरजी स्पोर्ट्स ऑफिशियल। हेलो। आज 6 बजे हम लोग यहाँ आए थे और अभी ऑलमोस्ट जो है वेट कर रहे थे कि जरा सा लाइट आए यहाँ, और अभी मैडम हमारे साथ है। बेसिकली मैडम आपको काफ़ी मतलब पहले तो मैं काफ़ी दिनों से नाम सुन रहा था, बाद में 1-2-3 महीने से जो है हमारा काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी रिसेंटली ही टाटा मुंबई मैराथन में जो है आपके एज कैटेगरी में 50-55 जो है मैडम ने पोडियम लिया, सी स्टूड फर्स्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू। आपसे हम बात करेंगे कि आपने ये जो जर्नी जो है रनिंग जर्नी जो है वो आपने कब शुरुआत की? एक्चुअली मेरा रनिंग जर्नी शुरू हुआ 2016। ओके। हीरा नंदानी थाने हाफ मैराथन। अच्छा। रनिंग का पहले मैं एक्चुअली पूरा फुल टाइम फिटनेस के साथ हूँ, कभी भी योगा एरोबिक्स जुम्बा उसके साथ हूँ, और स्कूल और कॉलेज में मैं ट्रैक एथलीट थी। अच्छा। मेरा हाईएस्ट किलोमीटर है 800 मीटर्स ओनली। सो ये प्रीवियस सो ये मैराथन के बारे में तो ऐसे कुछ पता नहीं था, और 2000 ये कैसे ख्याल आया कि भैया आपको ये करना है, लॉन्ग डिस्टेंस करना? एक्चुअली जब ही इधर थी तो देखा कुछ मैराथन हो रहा है तो हीरा नंदानी में था, तो मैं 10 किलोमीटर में रजिस्टर किया। तो 10 किलोमीटर रजिस्टर जब 10 किलोमीटर ख़त्म किया तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं 10 किलोमीटर किया, और वो भी एक बहुत अच्छा टाइम था मेरा 57 मिनट्स। ओके। अच्छा। तो सब दोस्तों ने सब लोग ने जो भी मुझे देखा था रनिंग करते हुए ट्रैक में, तो उन्होंने बोला कि अगर तू प्रॉपर वे पे इसको करती है मैराथन तो अच्छा, मतलब वहाँ से शुरुआत हुई, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद अगेन द सेम ईयर मैं पार्टिसिपेटेड अनदर 10K एंड देयर आई गॉट द पोडियम। ओके। अच्छा, नेक्स्ट वेरी सेकंड सेकंड या देयर आई गॉट द पोडियम इन 10K। देन आई स्टार्टेड डूइंग माय 21K ऑन माय ओन। सो 21K माय फर्स्ट 21K वाज सतारा। अच्छा। देयर वाज क्वाइट हिली ना? या क्वाइट हिली, बट आई डिड इट कंफर्टेबली, और बाद में आते वक्त पूरा डिक्लाइन। या ओके। सो आफ्टर दैट देन आई एम लुकिंग फॉर ए कोच विल ट्रेन मी। अच्छा। ऐसे सबके साथ बात करने के बाद फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, अभी जो मेरा रिसेंट कोच है आसनाथ, तो उनको मैंने ज्वाइन किया। ओके। उसके बाद मैराथन का शुरुआत हुआ, रियल लाइफ चेंजिंग स्टोरी मेरा। देन 2019 आई डिड कॉमरेड साउथ अफ्रीका, दैट 90 किलोमीटर। 21 से डायरेक्ट 90 आप बोल रहे हो, व्हाट अबाउट 42, मतलब इन बिटवीन 42 आपने किया होगा? इन बिटवीन 42 मैंने आई डिड ओनली 142। ओके। दैट वाज जयपुर। अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि जो माइंडसेट है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, आपने शुरुआत 10K से किया, बाद में आप 21K का मतलब चल रहा है कि 21 इज ओके यार, 10K मुझे कम गिर रहा है, आई कैन मेक इट, तो 42 के लिए आपने जो सोचा ना, आई जस्ट वांट, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी पता लगना चाहिए कि भैया 42 करना उनके लिए मतलब वाओ रहता है, मतलब ये क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो ये जो है मतलब मेंटली आपने कैसे प्रिपेयर किया, मतलब नेक्स्ट 42 के लिए? 21 आप तभी तो बिगिनर ही थे ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली। तो 21K आई थिंक 2-3 21 किया मैंने, एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल विद दैट, नो क्रैम्स नो इंजरी नथिंग। देन आई डिसाइड टू डू 42। तो मेरा सबको बोलना है 42
अगर कोई चाहेगा तो कर सकता है, लोग डरते हैं, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट व्हाट यू डू. तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस, अपना डाइट राइट एंड प्रॉपर प्लान वर्कआउट वो होता है. ऐसे 42 एक 42 इज समथिंग डिफरेंट. वी स्पीक अबाउट 42, इट टुक्स ओनली 1 सेकेंड, बट यू हैव टू रन 42 किलोमीटर. सो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है. तो अगर वैसा है तो कोई भी कर सकता है. और मैं मेरा मानना इफ आई कैन एंड यू कैन एवरीबॉडी कैन. नहीं क्योंकि क्या है कि ये आपने अगर देखा होगा कि जो हमारा इशू ये है कि यहाँ मिडिल एज रनर्स ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है तो मिडिल एज के ही लोग ज़्यादा आते हैं, यंगस्टर्स काफ़ी कम है. ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ द लाइफ स्टाइल. यंगस्टर को अभी तक वो लोग समझते नहीं कि इसका बेनिफिट क्या है, ऐसे हम क्यों करते हैं अपने को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए. सो अभी तक उनको ये नहीं आ रहा है, उन्हें अपना कैरियर, अपनी जॉब, लेजी लाइफ स्टाइल. तो दे एक्चुअली दे रियलाइज आफ्टर 35 या 40. दैट्स व्हाई इन मैराथन यू सी मिडिल एज्ड पीपल इज मोर. ओके मोर. अच्छा, तो जैसे अभी 42 की आवाज में आपने व्हाट यू सेड जस्ट नाउ कि आप कॉमरेड के लिए गए 90 किलोमीटर, तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था आपका कॉमरेड का? राइट, सेम इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका दे आर आल्सो मिडिल एज्ड, इज आई थिंक 70% इज मिडिल एज्ड. ओके, एंड बिलो 35 वेरी फ्यू. नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड यही है, यही ट्रेंड होता है. एंड अदर थिंग, the youngsters, they want, I saw, they want short distance running. Okay. If you go to 10 and 5K, they want to sprint. Yeah, okay. 10 and 5K, there you find more these okay. young runners. Achha, okay, so, okay. So, lekin, again, coming back to long distance running, abhi hum log Skechers ka jo ye chal raha hai, aap jara sa uske baare mein mein bataiye. Skechers Go Run Club, huh? Actually, everybody, you also know about that Skechers brand. Yeah. It's a sports brand like shoes, apni apparels, yeah, everything that is I there. Know, but I'm talking about this class. You Skechers, know. The group, they want to spread the fitness and marathon running level everywhere. Yeah. So, they're giving free training sessions. To motivate, so this is people, all free. Okay. Free training to motivate more and more people to come into fitness and to have a healthy and strong lifestyle naturally, for everybody. That is the aim basically. So, aisa Go Run Club Mumbai mein 3 hai. Okay. It's thana mein hamara pehle nahi tha. To thane ka November 22nd. November is 1 year. To baad mein un logon ka laga ki thane mein bhi काफी लोग अभी थाने में कैसा रिस्पांस है as far as Skechers is concerned? अच्छा है, फिर भी लोगों को और मोटिवेशन का जरूरत है. अभी तक लोग मतलब समझ नहीं रहे. अवेयरनेस शुड बी देयर. या अवेयरनेस स्पेशली लेडीज, यू नो लेडीज, एक फैमिली में लेडी का रोल ज्यादा है. राइट, लेडी फिट एंड हेल्दी नहीं रहेगी, लेडी हर वक्त बीमार, तो होल फैमिली नेचुरल डिस्टर्बेंस होता है. तो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता अर्ली मॉर्निंग उठना कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए. और मतलब लेकिन आपके पास और कुछ ऐसे तो मतलब ये रहेंगे ना कि अवेयरनेस के लिए आप और क्या करना चाहते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट Skechers, आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ Skechers. तो ये अवेयरनेस लोगों में आने के लिए खास करके यंग लोगों के लिए, बिकॉज यू नो ये फास्ट फूड कल्चर जो है exactly. वो भी काफ़ी हमें कई और लेके जा रहे हैं. वैसे आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो ये अगेन व्हाट यू से जो चीज़ें पहले घर में खाना बनता था ठीक है ना, लेकिन अब जो है बाहर से घर में बाहर खाना से आता है. तो ये ट्रेंड जो है ये जो है आपको फिटनेस की तरफ तो नहीं लेके जा नहीं रहा है. जा रहा है तो यहाँ जो है हमें एड्रेस करना जरूरी है आपको. हाँ, क्या लगता है? इसके लिए एक्चुअली इसके लिए भी Skechers अभी अपना वर्कशॉप सब बहुत जगह पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है, क्यों है, इंस्पायर करने के लिए वो सब अरेंज हो रहे हैं. और दूसरा सबसे बड़ा तो मैं ही इंस्पायर कर रही हूँ, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं खुद ही पूछते हैं 50+ एज में आपने कैसे ऐसे रन कर, रनिंग तो मैराथन किया 60,000 रनर, उसके बाद मतलब पोडियम में आना एक अलग चर, ट्रैक में रनिंग करते हुए भी मुझे सब लोग देखा था. तो वो भी है तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, क्या खाते हो, क्या मतलब कैसे करते हो ये वर्कआउट सब, हमको भी करना है. एटलीस्ट कल रात को थाना में से 10 यंग आएंगे, अभी 10 यंग 10 टू 12 यंगस्टर्स
वो कंटेक्ट किया है कि हमको भी ज्वाइन करना है, हमको भी ट्रेन करो। अच्छा, अभी आपने TMM जो किया मतलब टाटा मुंबई मैराथन, तो इस ग्रुप में से कितने लोगों ने 42 किया, 20 मतलब अप्रोक्सीमेटली? सभी लोगों ने तो मेरे ख्याल से मिनिमम 21 तो किया ही किया हुआ। सी, इसको छोड़ के मेरा एक सेपरेट ग्रुप भी है इधर चल रहा है, उसमें से 8 एंड इसमें से 12 20 almost 42 किया है। आपको कैसे लगता है ये देख के, मतलब जब आपको फील होता है बहुत बहुत, और रास्ते पे जब ही आपने स्केचर्स गोरन टी-शर्ट में मेरे ही मेंटीज भाग रहे थे, वो तो फीलिंग अभी मैं देख रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट हियर फॉर 6 months 6-7 months और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो तो आप तो रेगुलरली देखते हैं वीकली, तो नेचुरली क्योंकि मैंने भी काफी देखा है इनको भागते हुए the way, बस खासकर लेडीज जो है उनका जो है बेसिकली क्या होता है, जेंट्स तो काफी अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, तुर्रम खान समझते हैं, to be very frank with you, but लेडीज का जो विल रहता है जो वो तो ऑसम रहता है, ये मुझे भी पता है। और ये चीजें जो है आप आपको भी ये डिफरेंस नजर आता है, यू कैन मेक आउट की बाबा लेडीज आर डूइंग awesome, awesome. अच्छा, मतलब उनका जो willingness जो रहता है, वो proper discipline जो, the few ladies when they joined, what they told कि हमने तो कभी sunrise देखा ही नहीं इधर, इतना early 5:45, but वो ही ladies में देख रहा, मैं आने से पहले वो लोग खड़े हैं इधर, that is the transformation, that is the change. I mean, वो आपका achievement है basically. अभी आप मुझे ये बताइए कि इसके आगे जो है आपका achievements भी काफी, हमें भी पता है, आपने भी बताया, ये भी जो चल रहा है ये भी काफी अच्छा चल रहा है। आप जो है एक साल में आप क्या देखते हो, और मतलब एक 6 months एक साल में जो है ये कहाँ तक आप लेके जाओगे, और ऑफ कोर्स विद आपका करियर भी जो है, रनिंग करियर जो है उसके भी प्लान्स जो है आपके दिमाग में क्या है? मेरा अभी मैंने एक ड्रीम था कि कॉमरेड करना है, 2019 कॉमरेड मैंने फिनिश किया, बट मैंने अगेन आई डिड इट इन 2022, तो तभी मैंने आपने बॉस्टन भी किया ना, बॉस्टन भी किया, आई एम द ओनली बॉस्टन क्वालिफायर में भी आप फ्रॉम थानी फीमेल बॉस्टन क्वालिफायर एंड बर्लिन किया, बट कॉमरेड में उसमें कैसे आते 25,000 रनर्स ऑल ओवर वर्ल्ड, ओके, तो उसमें मुझे सब 9 hours, अच्छा, जो उसमें एक स्पेशल मेडल मिलता है बिल्कुल विद इन 9 hours, हां या, सो आई एम इंडिया का फास्टेस्ट फीमेल रनर, ओके, दैट आई डिड दैट अचीव, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन वर्ल्ड मेजर, 6 world major, ओके, सो दैट फ्रॉम दैट बॉस्टन बर्लिन न्यूयॉर्क शिकागो टोक्यो ओके लंडन दिस सिक्स, so 2 is done, Boston and Berlin, now April I'm doing London, अच्छा, so then the rest, चलो मतलब काफी focus है आप क्योंकि आपका काफी proper तरीके से चीजें जा रही है, but ये सब के पीछे मेरा main aim है more and more ladies into fitness, even if they do marathon they don't do, but into fitness they should be, I also tell them I don't want to listen anybody, knee pain, back pain. That अभी आपके यहाँ से ले लद्दाख में भी मेरे ख्याल से वो जयवीरू क्या नाम उनका, विपिन और राज पाठक एंड विपिन मोरे, या दे डिड खारदुंगला चैलेंज, हां लद्दाख मैराथन इज 42, दे डिड 75 खारदुंगला चैलेंज, अच्छा, उनसे भी बात करेंगे मैडम, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो इनको भी और ये यंगस्टर्स को भी जो है, वी वांट अ मैसेज फ्रॉम यू, यंगस्टर्स को बोलना है कि इवन इफ योर लाइफस्टाइल इज बिजी या हेक्टिक, but fitness is important, so a healthy and good lifestyle, वहाँ compromise मत करो, yeah, उसमें compromise मत करो, healthy and good lifestyle is very very important. अच्छा, thank you, thanks a lot. Thank you SRG. Thank you. This is Sandeep Das, assistant coach of Skechers Group, Skechers Goran Thane, और अभी मैडम से भी हमने बात की, गीतांजलि मैम से, और ये जो है इनके असिस्टेंट कोच है संदीप दास जी, और ये भी काफ़ी समय से जो है इन बच्चों को, सॉरी नॉट बच्चे लेकिन ये जो लोग हैं ये सबको जो है, इसमें बच्चे भी काफ़ी है, आज काफ़ी कम है वैसे, लेकिन इनको ट्रेन कर रहे हैं, और हम उनसे यही सवाल पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस इनसे कैसे रहा, खासकर लेडीज़ है, मिडिल एज ग्रुप के भी है, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी है, तो सर आप हमें ये बताइए कि इनकी इनका डिसिप्लिन और इनका जो टोटल है, क्योंकि इनके इन्होंने जो भी अचीव किया है 6-7 महीने में, आप एक साल से ये कर रहे हो, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगता है कि काफ़ी हुआ है
बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ है। स्टार्टिंग में जब आए थे सब तो बहुत इंजरीज लेकर आए थे, कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, कोई काफ़ी सालों से कर रहा है, ओवरवेट थे। और डिपेंड करता है कि इंजरीज के ऊपर भी हमें वर्कआउट कैसे लेना है। हमारा प्लान स्टार्टिंग से यही था कि इंजरी फ्री रनर्स रेडी करें, राइट। क्योंकि जो भी हमारे सेशंस पे होता है, जो भी पूरा टेक्निक के साथ होता है, जो भी वर्कआउट हम देते हैं फॉर्म एंड टेक्निक के साथ ही हम बताते हैं, तो हमारा पूरा फोकस उस पर ही रहता है। तो स्टार्टिंग में जब भी सब लोग आते हैं तो वार्म अप से हम लोग शुरू करते हैं ताकि जॉइंट्स मसल्स थोड़ा रिलैक्स हो जाए, देन उसके बाद फिर हम लोग रन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है और रनिंग के लिए टेक्निक्स बताते हैं हम लोग, कैसे आपको फुट रखना है, कैसे टोज पे रन करना है, सारी चीजें हम लोग। आप कोर पे भी काम करते होंगे, कोर पे भी लेग्स लेग स्ट्रांग करने के लिए काम करते हैं। ये शुरुआत तो 5 या 10 किलोमीटर से ही करते होंगे। यस। अच्छा, तो अभी जैसे कि मैम ने भी हमें बताया अभी कि 21K और 42K ऑलमोस्ट सभी लोगों ने किया था अभी टाटा मुंबई मैराथन। तो ये उनको 21 के लिए जो आप करते हो तो उनका माइंडसेट कैसे आप बनाते हो कि भैया ये हमें 21 करना है, अभी 5-10 बहुत हो गया? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, यहाँ भी जो है मेरे दोस्त भी है, वो कहते हैं यार ये सब 5-10 वाले, यू नो। सो तभी मुझे भी लगा कि यार मैं 21 करूँगा, सो दैट वे इट इज़ राइट। तो आपका इसमें इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है कि इसको आप इनका माइंड सेट जो है 21 के लिए आपने कैसे कैसे आप उनको मोटिवेट करते हो, कैसे पुश करते हो? 21 के लिए बेसिकली कैसा होता है कि 10 तो सब लोग इजीली कर लेते हैं, जो 60 मिनट्स का टाइमिंग है, 80 मिनट्स का टाइमिंग है, तो इन पे इजीली इनका हो जाता है। बट इसके बाद थोड़ा सा मसल टाइटनेस आता है, फिर ब्रेन थोड़ा सा, मतलब आप जैसे अगर वाटर लॉस हो रहा है, रन कर रहे हैं वाटर लॉस हो रहा है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है कि डिहाइड्रेट ना हो बॉडी, राइट। तो सबको एक्चुअली बहुत सारे एक्सीडेंट देखा होगा आपने, रन के समय पे क्रैम्प्स आता है, गिर जाते हैं, चक्कर आते हैं। तो हमारा फोकस यही रहता है कि आप अगर 10 कर रहे तो धीरे धीरे 12-15 की तरफ आप बढ़ो। ओके, ग्रेजुअली वो प्रोसेस स्लोली माइंडसेट करो। अगर 16-18 किलोमीटर्स हो जाता है तो 21 इजीली होता है। तो माइंडसेट हमारा रहता है कि 15 तक आप, जैसे संडे आता है, सैटरडे हम यहाँ पे रन करते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, फिर हमारा प्लान रहता है कि सैटरडे लॉन्ग रन का। ओके तो लॉन्ग रन के लिए 15-16 किलोमीटर सब लोग करते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि 10 का बॉडी इनका कैसे सपोर्ट दे रहता है, 10 के बाद बॉडी टायर्ड होना शुरू करता है। तो उसके लिए फिर हम लोग फिर गाइड करता है डाइट कैसे करना है, बॉडी को रेस्ट कितना देना है, आपको मसाज कब करना है, बॉडी रिलैक्स कब करना है। आई मीन यू मीन टू से इज दैट कि प्रैक्टिस सेशंस जो है, जो प्रोसेस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, देन एक्चुअल रन, एक्चुअल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस सेशन में भी आप उनको कैसे, मतलब डिहाइड्रेट जो है उससे कैसे बचाते हैं, मतलब कैसे हाइड्रेट उनकी बॉडी रेगुलर करने के लिए कैसे गाइड करते हैं? डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए हम उनको कंटिन्यूस बोलते रहते हैं कि आपको वाटर इंटेक करते रहना है रन के बीच में, एक एक सिप लेते रहना है। इलेक्ट्रॉल्स ले सकते हो, प्रोटीन इंटेक ले सकते हो। अभी इलेक्ट्रॉल्स बहुत सारे लोग लेते हैं, कभी काफ़ी लोग नींबू पानी भी शायद से लेते होंगे, नारियल पानी का यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी को क्या सूट करता है। एग्जैक्ट, नॉर्मल वाटर इंटेक भी कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉल बेस्ट है, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करता है। यस, एनर्जी ड्रिंक्स काफ़ी सारे आते हैं। अच्छा, हाँ। वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी एनर्जी काफ़ी अच्छा बूस्ट करता है और रन के टाइम पे बहुत हेल्प करता है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि हम 15-16-17 अगर 21 के लिए प्रिपेयर करना है तो 16-17, तो अगर 16-17 उसको भागना है नेक्स्ट डे, तो उसके प्रीवियस डे में उनको आप क्या गाइड करते हो ताकि बॉडी जो है वहाँ फटीग न हो, क्रैम्प ना है? एक्चुअली हम लोग रेस्ट के लिए ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ, रेस्ट के लिए बोलता है। अगर बॉडी आपका रेस्ट कर रहा है तो आपको फुल एनर्जी के साथ रन करने में ज़्यादा इजी होता है। अगर आप एक दिन पहले आप रन करते हो तो बॉडी पूरा टायर्ड हो जाएगा। ओके, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे वहाँ पर। अच्छा, तो आप जितना रेस्ट करोगे दो तीन दिन पहले तो उतना ज़्यादा अच्छा, उतना आप नेक्स्ट डे बॉडी को प्रॉपर चैलेंज कर सकते हो। नी का इंजरी नहीं होगा, एंकल का इंजरी नहीं होगा, नी पेन भी नहीं होगा। तो रेस्ट आप जितना करोगे तो आपको परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इंजरी फ्री रन करोगे तो आप आपके अचीवमेंट तक आप पहुंच सकते हो। एग्जैक्टली, तब जाके आपका 21 किलोमीटर आपका इजीली हो सकता है। अच्छा, इंजरी फ्री। ओके, तो मतलब यहाँ जो ये जहाँ ये स्टूडेंट्स आपके जो आते हैं वो डिसिप्लिन है? हाँ, रखना पड़ता है, क्योंकि सब हम कैसे कि ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ भी करते हैं और थोड़ा इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ताकि लोगों का माइंड सेट थोड़ा एकदम फ्री रहे, थोड़ा इन्जॉय के साथ रन करें,
हम लोग बातचीत भी करते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक भी करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। नहीं वो ज़रूरी है, लेकिन बट एट द सेम टाइम ये भी हमें देखना होगा ना कि वो कोई गलत चीज़ें भी नहीं डाले। यस क्योंकि वो भी अल्टीमेटली अगर आपको भाग रहे हो आप, तो आपको और कुछ आपके साथ मतलब आड़ा टेढ़ा ना हो जाए, इसके लिए उनका जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, तभी आप भाग सकते हो। आप अगर रात को 2 बजे रात को 3 बजे सोएंगे तो सुबह तो आप नहीं भाग सकते, आप कुछ आड़ा टेढ़ा मतलब यू नो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो इसके बारे में आप गाइड करते हो उनको। हाँ, वो बताते हैं हम लोग कि रेस्ट पूरा होना चाहिए, आपको नींद पूरी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप नींद पूरी नहीं हुई है तो आप रन के लिए रेडी नहीं रहते, टोटली माइंड सेट नहीं होता है, अब डिस्टर्ब रहते हो। अच्छा, क्योंकि दिन में बहुत कुछ चलता रहता है, exactly. जॉब से लेके, क्योंकि सबका अब देखो कि टाइमिंग शेड्यूल लाइफस्टाइल अलग है, अलग है। हर कैटेगरी के लाइफस्टाइल के लोग यहाँ पे हैं, कोई बिजनेसमैन है तो कोई वर्कर है तो कोई हाउसवाइफ है, कोई मदर है, कोई मदर इन लॉ है, तो वो सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है और ये कैसे आगे परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमको वो चीज़ से इनको निकाल के यहाँ ये स्टेज तक लेकर आना पड़ता है। चलो ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि उनको कैसे। यू आर डूइंग अ गुड जॉब संदीप जी, डेफिनेटली, एंड आई थिंक यू मस्ट बी हैप्पी विद यू नो दिस गाइस। ये एक साल में काफ़ी सारा इन्होंने, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू एसआरजी स्पोर्ट्स ऑफिशियल एंड ऑल द बेस्ट। पूर्वा जी नमस्ते, हमारे साथ पूर्वा थर जी है। ये मैम जो है मेरे ख्याल से इन्होंने, आपका जर्नी कब से शुरू हुआ रनिंग का मैम? मेरा 7-8 इयर्स से। हाँ, लेकिन बीच में कोविड प्रेगनेंसी ब्रेक आया। हाँ, बाद में वापस चालू किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये ख्याल कैसे है आपके मन में कि वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना है, ये थॉट कैसे आया? मैं 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया था, बट देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन आप यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपने 5K चालू किया या पहले से करते थे? पहले 21-25 सब किया था। अच्छा, रेगुलरली किया था। फिर कोविड के बाद जो है वापस, फिर तभी प्रेगनेंसी ब्रेक आया, लेकिन इतना कोर स्ट्रेंथनिंग तभी नहीं होता था जो इधर हो रहा है। ओके, आपने मुझे मेरे ख्याल से ये लास्ट ईयर दो 2-3 पोडियम्स जो है आपने किए। हाँ, आप मतलब 21 में 10K में आपने काफ़ी अचीवमेंट। हाँ, किया है अभी, लेकिन आपने अभी जो TMM है टाटा मुंबई मैराथन जो है, आपने 42K दौड़ा? हाँ, फर्स्ट 42 था। फर्स्ट, आज पहली बार आप 42 कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि 42 जो है करना, तो उसके लिए काफ़ी बहुत ही प्रिपरेशन लगती है, तो ये पहले तो माइंड सेट है कि आप वहाँ जाओगे पहुँचोगे, यहाँ से शुरुआत होती है। तो 21 आप करते थे? हाँ, 10 से 21 आपने किया, 21 से 42 ये जंप है, ये कितना इजी था, कितना डिफिकल्ट था, क्या था एग्जैक्टली? 21 से 42 थोड़ा स्मूथ गोइंग रहा बिकॉज ऑफ गीतांजलि मैम। ओके, उसने बताया कैसे रन कितना इंक्रीज करना है, लॉन्ग डिस्टेंस कितना करना है, प्लान करना है, प्रॉपर प्रिपरेशन। हाँ, हुआ आपका। हाँ, लेकिन वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन 42 आपको करना है, ये जब आपको लगा कि यस मुझे करें, तो तभी एंग्जाइटी थी या ऐसे था कि वो मैं, मेरा था कि मैं कंफर्टेबल पेस पे करूंगी, पुश नहीं करूंगी, जितना भी टाइम होगा ओके चलेगा। अच्छा, कोई टाइम टारगेट नहीं किया क्या, क्योंकि फर्स्ट 42 था इसलिए। ओके, लेकिन फिर 42 के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपने क्या की? सिर्फ एक लॉन्ग रन हुआ था, 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर किया था, लेकिन व्हाट अबाउट डाइट देन? डाइट में भी काफी चेंजेस। आई स्टार्टेड ईटिंग स्वीट पोटैटो 15 डेज प्रायर, फिर हाइड्रेशन प्रॉपर केयरफुली कॉशियसली, मतलब पानी ज़्यादा पीती थी, इलेक्ट्रोल या मतलब पानी, नारियल पानी, नारियल पानी, आई मीन वो सोडियम लेवल भी जो है वो प्रॉपर जरा सा इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि इतना आप अगर भागते हो तो नेचुरली वो फिर बाद में क्रैम्प आता है, फटीग होता है, ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपका प्रिपरेशन प्रॉपर था। तो तभी मतलब 42 में आप जाओगे, तभी जब जा रहे थे तभी आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं फिनिश कर लूँगी? अच्छा, तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, और करेंगे? और कर सकते हैं अभी। अभी 21 के लिए जाने में मन नहीं करता है? नहीं नहीं, 21 भी करूंगी, 42 भी करूंगी। 42, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राइट, रसिका जी नमस्कार, हमारे साथ रसिका पत्की जी है, और इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो है मैं ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से जो है इनको देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पहले से ही वो यहाँ है, मेरे ख्याल से नवंबर 22 में नवंबर लास्ट ईयर ज्वाइन किया है। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल से ये शुरू भी क्लास तभी से नवंबर से। हाँ, मतलब यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ, हाँ यू कैन से दैट, सो वैसे बात कर सकते हैं, नॉट फाउंडर, फाउंडर तो अपने मेंबर है। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि मेंबर, यस यस यस, फर्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट डे जब स्केचर्स के हमें वो टी-शर्ट्स मिले थे,
इट वॉज द फर्स्ट डे, पहली बार जब हम मिले थे गीतांजलि को, मैं IIT पवई मैराथन में मिली थी, 21 किया था फर्स्ट टाइम, एंड उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया कि गीतांजलि रिंका को आप जानते हैं, मतलब कौन है, मैंने कभी देखा नहीं उनको, और उसी वक्त गीतांजलि को पोडियम मिला था फर्स्ट, तो उस टाइम बातचीत हो गई, नंबर्स एक्सचेंज किए, एंड उन्होंने बताया कि थाने में हम लोग एक ग्रुप स्टार्ट करने वाले स्केचर्स गोरन क्लब, तो वो नवंबर में, अगले दो महीने में चालू होने वाला था, तो वो रन सितंबर में हुई थी, तो नवंबर में मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, और तब से लेके आज तक उनके साथ है, उनके साथ बड़े हो रहे, ग्रो हो रहे। आप मुझे ये बताइए कि आप ये रनिंग जो है, आपका ये रनिंग जर्नी शुरू कैसे हुआ, पहले से आप दौड़ती थी या नहीं? लॉन्ग रन ना, बेसिकली 6-7 साल से रनिंग कर रही थी मैं, बट पहले तो सिर्फ 5-10 पे थी, बट जैसे ही स्केचर्स गोरन क्लब मैंने स्टार्ट किया, जाना चालू किया, यहाँ पे मैं आई, तो उसके बाद तो उसके बाद मैंने 21 किलोमीटर के अटेम्प्ट मेरे बढ़ गए, तो मेरा फर्स्ट 21 किलोमीटर जो था वो 2 hours 40 minutes था, उसके बाद सीधा कम होते होते 2:30, उसके बाद 2:20:19, और मेरा सबसे बेस्ट PB जो था वो 2 hours 4 minutes में मेरा 21 किलोमीटर हो गया एक साल में कंसिस्टेंटली। तो ये सब चीज़ें जो है, ये मतलब ये आपने कैसे अचीव की, मतलब सिर्फ टैलेंट जो है आपको कहाँ लेके नहीं जाता, आपका डिसिप्लिन भी होना जरूरी है, प्रॉपर डाइट होना जरूरी है, प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है, बिल्कुल। एज अ रनर ये तीन चीजें सब रनर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि डिसिप्लिन तो डेफिनेटली, बिना डिसिप्लिन के नहीं मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग कम हो जाता है उसमें, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस, रात को 9-9:30 बिल्कुल 9-9:30 सोना, सुबह 4-4:30 कुछ भी हो उठना, उसके बाद डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि लोगों को लगता है कि मैं इतने ज्यादा रन कर रही हूँ, कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, तो मैं बड़ा पाव खा सकती हूँ, पिज्जा खा सकती हूँ, नहीं, उससे तुम्हारा रनिंग एंड्योरेंस आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हेल्दी खाओ, घर की सब्जियां खाओ, भाकरी खाओ, रोटी खाओ, जो भी खाना है हेल्दी खाओ, या बचपन से आप घर में जो खाते आ रहे हो वो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो खा के ही आप बड़े हुए, बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी बात जो है, पेशेंस रखना चाहिए कि रनर्स को, कि अभी मुझे अगर मेरा ये टाइम है तो अगले महीने में मेरा ये, इससे अच्छा टाइमिंग कैसे आएगा, नहीं, जितना पेशेंस रखोगे और अपने आँख और कान खुले रखोगे कि मुझे और सीखना है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, जैसे रनिंग प्रोसेस है वैसे लर्निंग प्रोसेस है, exactly. अभी भी इतने बड़े बड़े एलिट रनर्स हैं फिर भी वो सीख रहे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं, रनिंग तो ऐसा स्पोर्ट है कि जो आप कॉम्पीट जो है, अगर हम दोनों दौड़ रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे, बिल्कुल अपने आप से कॉम्पीट, बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही तो ये आपको, ये थॉट तो आपके मतलब बिगिनर्स को तो आता है, आप आगे बढ़ोगे, दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करके अब नहीं आगे बढ़ोगे। अच्छा, बिल्कुल। तो ये आपका जो, ये जो जर्नी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आज जो है आपने टाटा मुंबई मैराथन, आपने 42 किया, फर्स्ट टाइम 42 किलोमीटर किया, आपका भी 42, पूर्वा जी का भी मैराथन 5 hours 25 minutes में हो गया, इंजरी फ्री, वो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे कि इंजरी फ्री, और ये मेरा रनिंग का प्रोसेस आसान नहीं होता अगर रीना गीतांजलि से नहीं मिलती, और सबसे बड़ी बात मेरी फैमिली, मेरी बेटी कियारा, मेरी माँ पापा, मेरी बहन, मेरा भाई और उनकी बेटी, फैमिली सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट है। टाटा मैराथन के टाइम पे लास्ट 500 मीटर्स पे वो उनसे वीडियो पे कनेक्टेड थे, और कंटिन्यूस मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि गिव अप नहीं करना है, तुम्हें करना है, मेरी बेटी चिल्ला रही थी कम ऑन मॉम यू कैन डू इट, तब जाके मैंने। आप मुझे अभी ये, मेरा एक सिंपल और सीधा सवाल ये है कि एज फार एज लेडीज आर कंसर्न, आप भी लेडी हो, यू आर ऑल्सो, मतलब आपकी बेटी भी है, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, जनरली लेडीज़ को हम बताते हैं, देखिए उनका विलिंगनेस तो रहता है, लेकिन उनका ये हमेशा रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप भी समय निकाल रही हो, और यहाँ जितनी भी लेडीज है ऑलमोस्ट ऑल आर मैरिड, ठीक है, और वो भी जो है उनका भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, टोटली, तो ये जो है एक्सक्यूज है या आपको ये नहीं? देखो, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम सबके पास होता है, बट कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करनी पड़ती है। खुद के लिए टाइम निकालना लोगों को आजकल लगता है कि चलो सेल्फिश हो रहे, स्पेशली लेडीज़ की तरफ लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसे हो जाता है कि चलो घर के काम पहले, ये बाद में, बट इसी के लिए मैं कहती हूँ घर का सपोर्ट होना बहुत नेसेसरी है, कि नहीं बाबा अगर ये वो रनिंग कर रही तो उसके लिए उसको उसके खुद के 2-3 hours देने चाहिए। नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, अगेन आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस लेडी को जिसको अगर भागना है अपने
हेल्थ का ख्याल रखना है, वो अवेयरनेस उनमें लानी है, तो उन्होंने यहाँ आना चाहिए, मतलब जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत तो जो है सबसे मिलना हो जाता है, दोस्त होते, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब तक वो कंसिस्टेंटली स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे. बट हर लेडी को ये करना ही चाहिए, हर एवरी वुमेन, भले ही बच्चे हो, फैमिली हो, टाइम अगर निकालेंगे और एक बार जब बाहर आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग उनका कहेगा नहीं ये सैटरडे में गई हूँ, अगले सैटरडे भी मुझे जाना है, जैसे सब हमारे साथ होता है. क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जेंट्स भी यहाँ है, लेडीज है, लेकिन जो उनकी लगन है जो वो कुछ अलग लेवल की होती है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि उनका जो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो है. बिल्कुल एब्सोल्युटली, फिजिकली शायद वो जरा सा पीछे हो जेंट्स से, लेकिन जो उनके पास जो रहती है ना वो जुनून जो रहता है ना, जो पैशन रहता है, कोई भी काम हो, जरूरी नहीं है कि रनिंग ही है, लेकिन खास कर मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है ना, यहाँ पे घर सब मैनेज करके ही वो करती है ना, और ये भी एक मैनेज, तो जिम्मेदारी तो उनकी मतलब खून में रहती है, जिम्मेदारी होती है, बट वो सब मैनेज करके करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोस वुमेन लेडीज जो सारे सब घर संभाल के, बच्चे संभाल के, अपना अपने लिए टाइम निकालती है और वो सब करके घर भी बैलेंस करती है. थैंक यू वेरी मच रसिका जी, थैंक यू, थैंक यू. हमारे साथ है विपिन मोरे जी है और राज पाठक, ये जो दोनों है यहाँ इनको लव कुश करके जाना जाता है, हमेशा ये जोड़ी है और ये हमेशा जो है रनिंग में भी साथ में रहती है और इवन अदरवाइज भी साथ ही में रहती है, क्योंकि ये बहुत बेसिकली ये होता है कि ये स्पोर्ट कुछ अलग ही स्पोर्ट है, क्योंकि ये सिंगल माइंड का गेम है और अकॉर्डिंगली आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में चलते हो, लेकिन ये दोनों जो है हमेशा एक साथ चलते हैं. अभी जो है लेह लद्दाख जो है खरदुंगला चैलेंज जो है इन्होंने किया है, 72 किलोमीटर्स का होता है वो, मेरे ख्याल से कौन से मंथ में था वो, सितंबर में था, 8-9-10. और ये जो है आपको पता है कि लेह लद्दाख में क्या एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ तो चलना भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये जो है 8-10 दिन पहले वहाँ जाते हैं, रेगुलर जो करते हैं वो अकॉर्डिंगली जो है वो पूरा करते हैं. तो इनसे जानी हम इन दोनों से भी जानेंगे कि इन्होंने बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो है कब से शुरू की. सर बताइए आप प्लीज़, आपके एक्सपीरियंस, आपने कब से शुरू किया रनिंग? मैंने रनिंग चालू किया 2018 से. पहला मेरा रन था 7 किलोमीटर घाटकोपर में, जिसको मुझे लगा था 1 घंटा 22 मिनट 7 किलोमीटर के लिए. आपको ये ख्याल कैसे आया लेकिन कि आप? नहीं, कॉलेज के जमाने में दौड़ते थे, पहले दौड़ते थे कॉलेज में, क्रॉस कंट्री करके इवेंट होता था जो 13-13.5 किलोमीटर दौड़ने का था. उस टाइम मैंने कॉलेज में 3 साल लगातार पार्टिसिपेट किया था और 3 साल मुझे गोल्ड मेडल मिला था कॉलेज के जमाने में. फिर बीच में कुछ इंसिडेंट था, हाँ रनिंग बैकग्राउंड था, लेकिन कुछ इंसिडेंट था कि भागने का, हाँ, और कुछ रीजन ऐसा हो गया तो इंजरी हो गया तो फिर मैंने छोड़ दिया. अच्छा। फिर उसके बाद जॉब आ गया, शादी हो गया, फिर वो गैप आ गया, सब जिम्मेदारी, हाँ. फिर एक दिन ऐसे दोस्त ने बोला चलो घाटकोपर में एक छोटा सा रन है, चालू करते. तो फिर चालू किया तो देखा 7 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागा, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट लगा था, पर नॉन स्टॉप था, मैं तो चला वॉक नहीं किया था. तो सोचा अभी तक है, अभी तक जिंदा कीड़ा, अभी तक जिंदा है, तो लोग करते. फिर धीरे धीरे चालू किया. बेसिकली वो कीड़ा होना बहुत जरूरी है. राजी, आप मुझे बताइए कि आपका कब शुरू हुआ? मेरा स्टार्ट हुआ 2018 में, मेरा भी हुआ, बट मेरा दोनों मिले कैसे फिर? वो मैं भी बताता हूँ आगे. बट मेरा रीजन ये था कि मेरा वेट बढ़ रहा था. ओके. तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑप्शन नहीं था. दूसरा, एक सबसे सस्ता वाला टिकाऊ स्पोर्ट्स था जो है रनिंग. और हम लोग मोस्टली उठना है भागना है बस करना है, और कुछ ये नहीं था कि एक्सरसाइज करना है, ये करना है, कुछ नहीं था. जस्ट जाके आधा घंटा एक घंटा वॉक करके रन करके आना है. शुरुआत वॉकिंग से हुई है और फिर बाद में जब मैं स्टार्टिंग शूज से करता था तो मुझे मोस्टली इंजरी आने लगी. तो बहुत डॉक्टर को दिखाया तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, स्टिल सेम हुआ. फिर एक साल ऐसे 2019 तक ऑलमोस्ट सेम ही रहा, इंजरी के साथ ही थोड़ा बहुत 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसे करते रहा. फिर फाइनली सब डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा. तो रेस्ट करने के बाद वापस वही ऑप्शन था कि वेट बढ़ने लगा. तो ये सोचा कि हम चलो बेयर फुट वॉक करके देखते हैं कुछ होता है. तो तब से हमारा बेयर फुट रन स्टार्ट हो गया. बेयर फुट वॉक स्टार्ट हो गया, फिर बेयर फुट वॉक से धीरे धीरे करके बेयर फुट जॉग, बेयर फुट जॉग से बेयर फुट रन. बेयर फुट ही करते हैं हम, टोटल बेयर फुट ही करते हैं. और दोनों हम लोग बेयर फुट ही है, और हमारे ग्रुप में भी बहुत 4-5 लोग हैं जो बेयर फुट ही करते हैं. तो हम लोग उनसे मिले, हम लोग बेयर फुट देखते देखते उन्होंने बोला कि बेयर फुट करते, चलो हम साथ में करते हैं करके ऐसा ग्रुप बन गया. तो हम लोग सब अभी मोस्टली बेयर फुट ही करते हैं. मुझे पाया तड़वे एकदम बहुत स्ट्रांग हो गया आपके. ठीक है, ऐसा मनाए थे. बट वो मजा आता है फिर बेयर फुट में, अभी मजा आता है, शूज में मजा नहीं आता. तो आप ये अभी फिर 5-10 से शुरू किया? वही आधा घंटा 40 मिनट इतना ही करते. फिर कंपटीशन, आप फिर कंपटीशन जैसे ग्रुप बढ़ता गया हमारा, तो देख देख के चलो आज यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं करके फिर 10 फिर 21
जिस कर करके अभी फिर छोटा डिस्टेंस मजा नहीं आता, फिर बड़ा डिस्टेंस ही मजा आता है, क्योंकि उस पर किसी का ये पेसिंग का जरूरत नहीं है, टाइमिंग का टेंशन नहीं है, आराम से अपने मन से करते रहो, एंजॉय करते रहो। 21 और 21 से 22 जो है, ये जो माइंडसेट जो है वो कैसे? नहीं, वो एक्चुअली कैसा है कि जब हम एक बार रनिंग डिसिप्लिन हो जाते हैं, मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं एवरी डे, पहले हमारा पर्पस था कि वेट का मतलब क्या, मैं बता, जैसा हमारा पहला पर्पस था वेट था, तो हम आधा घंटा 40 मिनट जाके आ जाते थे, मतलब रोड पे गए, रन करके आए, फ्रेश हुए, ऑफिस गए, भाई बट ये कंटिन्यूस चलता रहा, तो एक माइंड ने मतलब ये एनर्जी दे दी कि चलो अभी ये अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, तो वो अंदर से एनर्जी आ जाती, फील गुड फील हो जाता है, तो चलो ठीक है, फिर ये बढ़ते बढ़ते गया, तो ये फिर वो डिसिप्लिन, हाँ तो फिर कैसा है, फिर हाँ फिर हाँ तो फिर कैसा हो जाता है कि वो जो बोलते हैं ना डिसिप्लिन, अभी सवेरे उठना ही है, नॉट बिकॉज कि मेरे को अभी वेट कम करना है, कुछ करना है, बट मेरे को अपने लिए अच्छा फील करना है, तो कंपटीशन में जाना, कंपटीशन नहीं बोले बट हमारे अपने खुद का कॉम्पिटिशन के लिए कि 21 किलोमीटर कर सकते हैं कि नहीं, 42 किलोमीटर कर सकते हैं कि नहीं, 72 कर सकते हैं कि नहीं, 53 कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग 50 के अल्ट्रा करते हैं, ये सब करते हैं, तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि ये नहीं कि हमको जीतना है या कुछ करना प्रूव करना है, बट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो प्रूव करने के लिए हम लोग रजिस्टर करते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग को अपने आप को ही प्रूव करना है। तो हम जो डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया कि हम लोग कंटिन्यूस हर दिन अपने आप को आधा घंटा एक घंटा देना, बस वही डिसिप्लिन है हमारा, तो उससे एनर्जी आ जाती है, तो धीरे धीरे हम लोग फिर वो अभी 4-5 साल तक हम लोग कंटिन्यूस रहे, बट इस पर गैप भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि हमारा ऑफिस वर्क है, ये सब कुछ वर्क है, सब जिम्मेदारी है, तो हमारा बहुत टाइम तक मिस भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट अभी 10 दिन मिस हो गया तो फिर वापस ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी वापस स्टार्ट करना चाहिए, तो वापस एनर्जी लेवल हम लोग अपने आप को लेके आ सकते हैं, इससे ये हो रहा है कि फिर वापस हम कंटिन्यूस वो मेंटेन करने में लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कैसे आप दोनों कैसे मतलब नजदीकी रहते हैं या फिर वैसे नजदीकी रहते हैं, हम लोग नजदीकी रहते हैं लेकिन पहचान नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैं एक दिन ग्रुप में भाग रहा था तो देखा ये बंदा मिला, ये भी बेयरफुट है, तो इसका देख हाँ इसके ग्रुप में फिर देखा, मैंने भी देखो कि यार सब लोग बेयरफुट, हम लोग भी ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया, तो थोड़ा स्टार्टिंग में 6-7 महीना थोड़ा तकलीफ हुआ, कांच लगना, पत्थर लगना, फिर एक बार आदत सी होगी। अभी हम लोग लद्दाख लास्ट टाइम, उसके पहले हम लोग लद्दाख गए थे, वहाँ पे 42 किया था। लद्दाख पे आता हूँ मैं अभी। लद्दाख अपने लास्ट टाइम 42 किया, आप क्वालिफाई हुए। उसके बाद 72 किया। 72 किलोमीटर। हाँ। अभी जो लेटेस्ट जो किया वो 72 किया। तो आप 10 दिन पहले गए। एक्लिमेटाइज के लिए। आप मुझे एक-एक करके आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं, एक्सपीरियंस आपको मैं एक बात बोलूं कि अगर आपको लद्दाख करना है, अगर ये माइंड में सोचा है, तो आपको 6-7 महीने पहले प्रॉपर मेहनत करना है, आपका प्राणायाम योगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, भले आपका प्रिपरेशन परफेक्ट हो। हाँ, उसके बिना आप तो जाओ मत। सवाल ही नहीं पैदा होता जब आप अगर सोचते हो कि आपको ये करना है, आप वहाँ जाने के बाद जो आपने 10 दिन जो बिताए तो वो प्रिपरेशन कैसे था, क्योंकि 10 दिन से डिफिकल्ट होता है। 10 दिन में कैसा था, पहले 2 दिन हम लोग ने पूरा होटल में रेस्ट किया, सिर्फ पानी बस इतना ही किया, 1.5 दिन हम लोग पूरा होटल में बैठ के रहे, किधर गए नहीं, ना जीना स्टेप्स उतरे, ना कुछ नहीं गए, बस बेड पे रह के आराम किया। उसके बाद 3rd दिन हम लोग ने सिर्फ वॉक किया 4-5 किलोमीटर, फिर 5th दिन 7-8 किलोमीटर वॉक किया, फिर एक 2-2 किलोमीटर का रन किया, फिर हम लोग 7वें और 8वें दिन में हम लोग जहाँ से एक्चुअल रन था, जो खरदुंगला टॉप बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग 6-7 किलोमीटर रन करके देखा कि क्या हो रहा है, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। तो हमको पता चला कि यहाँ पे हम लोग जो बॉम्बे में हिल पे ऊपर भागते, जैसे हम लोग अल्ट्रा करते हैं, अल्ट्रा रन में जो बॉम्बे में या फिर और जगह पे महाराष्ट्र में भागते हैं, तो वहाँ जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वहाँ पे उस काम की नहीं है, वहाँ पे वो जीरो है, उसका कुछ यूज़ ही नहीं होता वहाँ पे। फिर हम सोचा कि नहीं, यहाँ पे अपने वॉक करना है, ब्रिक वॉक करना है, या जैसे भी है धीरे धीरे रन करना है, आगे निकलना है, रुकना नहीं है। और ये लद्दाख ऐसा ये था चैलेंज था कि हम लोग को उसमें भी खुद को प्रूव करना था कि चलो हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि हमको जाके ऐसा कुछ प्रूव करना था, बट हमको ये करना था कि हम उस सिचुएशन में अपने आप को कर पाएंगे कि नहीं। इसके लिए हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 42 किया ताकि हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे, 72 का एक्सपीरियंस था, 42 का, तो हमने 42 में भी, हाँ तो वही है कि स्टार्टिंग में वहाँ जाके चेक कर रहे थे, 42 का अलग है, 72 का अलग है। हाँ, बट 42 के लिए हम लोग ने पहले ये स्टार्ट किया कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, हम लोग अपने आप को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो सब क्योंकि सबको हमको देखना भी रहता है, क्योंकि घर से भी परमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम लोग वहाँ जाके 1-2 दिन पूरा सिर्फ पानी हाइड्रेशन ही लिया है, रूम के अंदर बैठे अपने आप को बॉडी को नॉर्मल रखा, फिर हम लोग ने वॉक स्टार्ट किया ऐसे धीरे धीरे करके, फिर एक बार 42 हमारा अच्छे से हो गया,
फिर हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम 72 करते हैं करके। तो 72 के लिए जो प्रैक्टिस किया ना, जैसे बोला 6-7 महीने हम लोगों ने लिटरली एवरी संडे हम लोग 40 किलोमीटर्स के एबो करते थे, वॉक रन करके एवरी डे एवरी संडे हम लोग 4-5 घंटे अपने आप को देते थे। मॉर्निंग 5 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे तक हम लोग अपने आप को तैयार रखते थे। तो उसमें हम लोग इन्जॉय करते थे, वो और इन्जॉयमेंट था, क्योंकि 4-5 घंटे साथ में रहना, पानी पीना, ये करना, सब लोग मिलते थे रूप पे, सब 11-12 घंटे लगे। तो उसके बाद क्या था हाल? तो उसके बाद देखो इसका कैसा हुआ, देखो हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले उस दिन का टेम्परेचर अलग ही होता है। तो हम उस 72 किलोमीटर्स में 72 किलोमीटर्स तो हमने कवर कर लिया था। फिर बाद में जब उत्तर डाउन फॉल था तो इसका हालत ख़राब हो गया, इसको ओमिटिंग, सर दर्द, ये सब स्टार्ट हो गया। तो ये एक तरफ से छोड़ने लग गया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा करके। तो ये इस पे हमारा एक मतलब जयवीरू, हम लोग इसीलिए जयवीरू बोलते हैं, कि हमारा एक बेनिफिट ये है कि हम लोग एक दूसरे को लेके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने एक दूसरे को पुश किया। लकीली हम लोग ने अच्छे से कर दिया उस इवेंट पे, बट एक मोमेंट ऐसा आया था कि नहीं ये पूरा छोड़ दिए करके। तो उस आधा एक घंटे का मोमेंट में उसको समझाना, उसको मेंट रुकना, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वो। तो वो जस्ट खत्म होने के बाद ना लिटरली हम लोग रोए, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो जब पता नहीं अभी आपके पास फोटो है या नहीं है, तो फोटो देख के हमको, मुझे अभी भी हाँ, तो अभी भी हमें रोना आता है वो, क्योंकि हमने वो दोनों हाथ में हाथ पकड़ के फिनिश किया। आगे हम लोग का बॉर्डर रन है 100 किलोमीटर, और नेक्स्ट दिसंबर में सोच रहे हैं, बट उसके लिए भी मतलब क्या, क्योंकि व्यूअर्स को नहीं पता है बॉर्डर रन है, जैसलमेर मिलिट्री का रन है, जैसलमेर टू बॉर्डर ना पाकिस्तान बॉर्डर, तो वहाँ पे 100 किलोमीटर 160 किलोमीटर स्टार्ट होता है दोपहर को एकदम धूप में, और सवेरे खत्म होता है मॉर्निंग को माइनस में। तो उस पर कैसा एकदम हीट टू एकदम माइनस डिग्री में जाना है, तो उसको भी बॉडी एडॉप्ट करना, और 100 किलोमीटर प्लान्स आपके दिमाग में कैसे आए थे? नहीं वो जैसे ये सब ये पागल लोगों का कमाल है, वो जैसे बोला ना कि अपने चीज के लिए देखो पैशन है, एक जुनून है, नहीं बेसिकली वो बोला ना कि जब एक बार स्टार्ट किया हमने, वो स्टार्ट करने में 4-5 से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके करके वो हम लोग को अभी वो अंदर से ऐसा लगता है थोड़ा और कुछ प्रूव कर लेते हैं, कुछ और अलग से कर, कुछ नया कुछ कर ले, ये तो अभी खारदुंगला हो गया, ये हो गया, तो अभी और क्या है कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ रहते हैं जो कॉम्पिटिशन रहते हैं, जो इवेंट रहते हैं, तो इसमें जाके जस्ट चेक करना है, ये नहीं कि जीतना है, बट चेक करना है अपने आप। बिल्कुल आपकी बात सही है सर, क्योंकि मैडम से भी हमें और बात करनी है, आने वाले दिनों में बात करेंगे, और आप जो है वो आप 100K का जो बॉर्डर रन है वो भी पूरा करें, तभी भी आपसे बात करेंगे जरूर। एसआरजी स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hooray!